कल नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। इस समारोह को यादगार बनाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। आज से विदेशी मेहमानों के आने का सिलसिला भी शुरू हो रहा है, जिसके लिए G20 वाली सुरक्षा का इंतजाम किया गया है। इस समारोह को यादगार बनाने के लिए देश विदेश की कई हस्तियां शामिल होंगी। जानकारी के मुताबिक विदेशी मेहमान इस यादगार पल के गवाह बनेंगे, जिनमें बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल, श्रीलंका की राष्ट्रपति रानिल विक्रम सिंह, भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोबे, मॉरिसस के प्रधानमंत्री प्रवीण जगन्नाथ और सेशेल्स के राष्ट्रपति बेविल रामलेखवान। इनमें बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना, मालदीव के राष्ट्रपति और मोहम्मद मोइजू आज दिल्ली पहुंच जाएंगे। यही नहीं, इस बार दिल्ली की सुरक्षा ऐसी होगी कि परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा। बताया गया कि राजधानी में G20 वाली सुरक्षा का इंतजाम किया गया है। जमीन पर सेना के जवान तैनात रहेंगे तो वहीं आसमान से स्नाइपर निगरानी करेंगे। इसके अलावा सुरक्षा के लिए AI सर्विलेंस की भी मदद ली जा रही है। बीजेपी के नेतृत्व वाली NDA ने लगातार तीसरे लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की है। 4 जून को नतीजे घोषित होने के बाद शुक्रवार 7 जून को NDA संसदीय दल की बैठक हुई, जिसमें नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुना गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने PM पद के लिए मोदी के नाम का प्रस्ताव रखा था। NDA के संसदीय दल के नेता व लोकसभा के नेता के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम का प्रस्ताव करता हूं। इस प्रस्ताव पर NDA घटक दल के सभी नेताओं ने अपनी सहमति जताई। इसके बाद मोदी ने राष्ट्रपति के समक्ष सरकार बनाने का दावा पेश किया। इसके बाद राष्ट्रपति ने नरेंद्र मोदी को 9 जून को सरकार बनाने का न्योता दिया है। रविवार की शाम 7:15 बजे मोदी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह है। लोकसभा चुनाव के नतीजों में NDA को 292 सीटें जबकि इंडिया गठबंधन को 234 सीटें मिली है। इसमें से बीजेपी को 240 और कांग्रेस के खाते में 99 सीटें गई है। तो आप क्या समझते हैं इस खबर? हमें कमेंट बॉक्स में भी राय जरूर दीजिएगा और इसी तमाम जानकारी से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए UP।